वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या बात थी जो आपको मुझसे करनी और आपने मुझे यहाँ बुलाया? आप बहुत सारी बातों से बेखबर हैं। आप शायद जानते नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप साफ साफ बात कर सकते हैं। ठीक है तो फिर सुने, मैं आपसे यहाँ मारुख और सरमत के बारे में बात करने आई हूँ। मारुख और सरमत? जी, मारुख और सरमत, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो लोग दुनिया से छुपा रहे हैं। सरमत मुझे धोखा दे रहे हैं और मारुख आपको। धोखा? कैसा धोखा? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप प्लीज पहले मेरी बात सुन लें। कोई भी बीवी अपने शोहर के बारे में किसी गैर मर्द से इस तरह की बातें नहीं करेंगी। अगर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो जरूर कोई ना कोई वजह है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रही, सरमद और माहरुख के बीच में कुछ ऐसा ताल्लुक है जो। आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है? और आप ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? आप देखते नहीं, मेरा शोहर सारा दिन मारुख के साथ उसके घर पे होते या फिर बाहर दोनों साथ घूम रहे होते। मारुख से मेरी इस बारे में बात होती है, सरमत सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की वजह से वहाँ पे होती। उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक ना कर सके। बस बहुत हो गई आपकी, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। मारुख को मैं काफी अरसे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। और मैं सरमत को बचपन से जानती हूँ, मुझे भी यही लगता था कि वो ऐसे नहीं है, मगर अब हकीकत मेरे सामने आ गई है और यही हकीकत जितनी जल्द आपके सामने आ जाए आपके लिए बेहतर है। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी है, सुना? और हाँ प्लीज, आइंदा मुझसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, रابطہ नहीं करूंगी। अगर आप प्लीज मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा।